दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए राहु और केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव कैसा होगा। राहु और केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 23 सितंबर 2020 को ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इस 2020 का दूसरा सबसे बड़ा महापरिवर्तन शनि के बाद में राहु और केतु का होने जा रहा है, क्योंकि ये परिवर्तन पूरे 18 महीनों के लिए होता है और राहु और केतु बहुत ही बलवान ग्रह हैं। जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा विकट परिस्थितियां बनाने वाला राहु है। राहु और केतु इतने बलशाली हैं कि जो 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा, उन पर भी ग्रहण लगाने का काम करते हैं ये। तो आप सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए इनका परिवर्तन, आपके जीवन पर कितना असर डालता होगा, आप सोच सकते हैं। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए ये परिवर्तन कैसा होगा। 23 सितंबर 2020 को मिथुन राशि से निकल करके राहु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु धनु राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और ये परिवर्तन 23 सितंबर को होगा और 23 सितंबर 2020 से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक का समय लगभग रहेगा। और इस परिवर्तन में आपके जीवन में कैसी घटनाएं होंगी, राहु और केतु कैसा प्रभाव देगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि जेमिनी साइन। दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गोचर का फल मैं आपको बताऊंगा ये चंद्र राशि के आधार पर है और लग्न के आधार पर है। आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं अगर आपको चंद्र राशि और लग्न राशि पता नहीं है तब। दोस्तों जो राशि फल है एक तरह से राहु और केतु का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि राहु अंधकार का कारक है, अज्ञानता का कारक है। ज्ञान है लेकिन वो ज्ञान कुतर्की है, वो ज्ञान बुरे कामों के लिए है। ये तर्क नहीं है इनके पास में, ये फैक्ट नहीं रखते हैं। ये वो क्षमता रखते हैं जिनके राहु केतु कुंडली में उच्च के होते हैं, वो व्यक्ति निश्चित ही ऐसी क्षमता आती है उसके अंदर कि वो गलत को सही और सही को गलत कर दे। सबसे ज़्यादा ऐसे ही वकील बहुत ज़्यादा जिनकी कुंडली में राहु और केतु उच्च के होते हैं और अच्छी स्थितियों में होते हैं, छठे या द्वादश से संबंध बनाते हैं, वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा वकील बनता है। क्योंकि वकील जो बुरे को अच्छा बना दे, अच्छे को बुरा बना दे, हमेशा अपने जो विचार हैं उन्हें ही सत्य साबित कर दे, ऐसी क्षमता राहु और केतु देते हैं। तो आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों पर इनका प्रभाव कैसा होगा। मैं यहाँ पर जो भविष्य बताऊंगा वो निश्चित ही अक्षरशः सत्य होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास है क्योंकि मैंने राहु और केतु को जन्म कुंडली में बहुत ही बारीकी से समझा है, अपनी स्वयं की जन्म कुंडली पर समझा है और बहुत ही अनुभव किया है। तो इस पर मैं बहुत ही सटीकता से बोलता हूँ, राहु आपकी कुंडली में, जो आपकी गोचर की कुंडली बनेगी, अब आपकी राशि से द्वादशस्थ प्रवेश करेंगे और द्वादश में गोचर रहेगा इनका, द्वादश में वृषभ राशि में गोचर रहेगा। दोस्तों पहले राहु के बारे में जानेंगे उसके बाद में केतु के बारे में जानते हैं। राहु द्वादश भाव में बैठेगा, पहले इनके बैठने के स्थान द्वादश पर बैठे हैं तो क्या प्रभाव देंगे, फिर दृष्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। यहां पर लॉजिक से मैं आपको बातें बताऊंगा। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, शुक्र क्या है, भोग ऐश्वर्य और लग्जरी लाइफ जीने की चाहत इच्छाएं और अंधकारमय जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है राहु। अब यहां पर शुक्र के राशि में विराजमान होकर के द्वादश में होगा, ये द्वादश में खर्चे अधिक कराएगा, खासकर लग्जरी लाइफ के लिए आप खर्च करेंगे, बहुत ही अंधाधुंध खर्च करेंगे, फिजूल खर्च करेंगे। और यहां पर देखा जाता है कि राहु नेत्र पीड़ा देते हैं, नेत्र समस्या देते हैं, क्योंकि शुक्र है नेत्रों का प्रतीक, नेत्रों का कारक, और यहां पर राहु नेत्र में पीड़ा देते हैं क्योंकि राहु है अंधकार और शुक्र की राशि में होने के चलते ये कहीं ना कहीं आपके नेत्र में पीड़ा देने का काम करेंगे। आंखों में पानी आना, जलन होना और ऑपरेशन करवाना आंखों का,
ऐसी स्थितियां बनेंगी, आपको आंखों का ऑपरेशन कराना पड़े ऐसी स्थितियां बनेंगी, या चश्मा टेस्ट कराना पड़े ऐसी स्थितियां बनेंगी। यहां के राहु ज्यादातर कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि में या पुलिस विवाद में फंसाते ही फंसाते हैं, या कहीं से भी आरोप प्रत्यारोप लगवा देते हैं। अब यहां पर राहु की जो स्थिति अच्छी होती है, क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं, कल जो वीडियो बनाया था वृषभ राशि के बारे में राहु पे, तो उसमें कुछ कमेंट आ रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव बोलते हैं। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन अगर आपको मीठी मीठी बातें सुननी हैं तो ज्योतिष का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मीठी मीठी बातें टेलीविजन पर आपको कोई भी चैनल खोल लीजिए, निश्चित ही आपको मीठी मीठी बातें करने वाले मिल जाएंगे। मीठी बातें बोलने को कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारा काम है आपको सच्चाई बताना। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव बात है, सकारात्मक है, वो राहु विदेश यात्रा के योग बनाते हैं, विदेश यात्रा के योग बनाते हैं। अगर आपका वीजा खत्म हो गया था और वीजा लगाना था तो वीजा लग जाएगा, वीजा के लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ हैं। विदेश में सेटल होने के लिए ये स्थितियाँ बहुत अच्छी रहती हैं, विदेश में जॉब पाना हो उसके लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ रहती हैं। और अब इसकी दृष्टि के बारे में बात करते हैं, जो दृष्टि पड़ेगी राहु की, राहु की पंचम दृष्टि, राहु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ कराती है, ये हो गया सकारात्मक पक्ष। लेकिन भूमि भवन वाहन से संबंधित, खासकर प्रॉपर्टी डीलिंग का अगर आप काम करते हैं तो उसमें लाभ कराता है। और ये राहु की दृष्टि खासकर जो प्रॉफिट कराती है वो चालाकी से, चतुराई से और ठगाई के कार्यों में कराती है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य में ज़्यादा चालाकी करते हैं, ठगाई का कार्य करते हैं या रिश्वतखोरी करते हैं, उसमें निश्चित ही आपको, या जो लोग एक तरह से एक दूसरे से संपर्क बना करके और दलाली का काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा मिथुन राशि के लिए। लेकिन मिथुन राशि की ये जो दृष्टि है, मिथुन राशि वालों के लिए ये दृष्टि खराब है। पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख करके माता के स्वास्थ्य में कमी लाएंगे, माता का स्वास्थ्य खराब होगा, ये स्थितियां बनेंगी। मैं आपको सकारात्मक पक्ष भी बताता हूँ, नकारात्मक भी बताता हूँ, लेकिन आप मुझे किस बात से देखते हैं, नकारात्मक ज़्यादा होती, क्योंकि राहु की पक्ष ज़्यादातर नकारात्मक होते हैं। अब इसे राहु को समझना जरूरी है। राहु कुंडली में बहुत अच्छी स्थितियाँ भी लाता है और बहुत बुरी स्थितियाँ भी। हमेशा राहु बुरा फल भी नहीं देता है, हमेशा अच्छा भी नहीं देता है। कुंडली में उच्च का होकर भी बुरा कर देता है और नीच का होकर भी अच्छा कर देता है, ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। तो राहु को समझना बहुत जरूरी है। राहु चतुराई है और चतुराई ठगाई का कार्य करने वाला व्यक्ति राहु से प्रभावित होता है, वो निश्चित ही उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है, राहु अगर उच्च का है। यहां पर सप्तम दृष्टि के बारे में बात करते हैं, तो राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो राहु की छठे भाव पर पड़ेगी। छठे भाव पर सप्तम दृष्टि से देखेगा और छठे भाव में ये कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं को परेशान कर देगा, शत्रु आपसे हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, लेकिन छोटे मोटे आपको रोग इत्यादि भी देगा, ये डायबिटीज बढ़ा सकता है आपकी, और इसमें कहीं ना कहीं आपको उधार इत्यादि लेना पड़े, लेकिन धन लाभ भी कराता चलेगा, साथ साथ आप उधार चुका भी पाएंगे, ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। और अगर आप जमीन पर किसी पर लोन लेना चाहते हैं, जमीन पर या मकान पर, तो उसमें अच्छी स्थितियां बनेंगी और लोन पास हो जाएगा आपका। इस राहु की पोजीशन ऐसी बनेगी। मकान बेचना चाहते हैं तो मकान अच्छे दामों में बिच जाएगा, ये बहुत अच्छी स्थितियां हैं। अब नवम दृष्टि की बात करते हैं। नवम दृष्टि राहु की रहेगी अष्टम भाव पर, और अष्टम भाव पर नवम दृष्टि से देख करके आपके गुप्त बातों को उजागर करने का काम करेंगे। आप जो बातें छिपाते थे उसका काम करेंगे, आपके अफेयर इत्यादि को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देंगे। आप ज़्यादा व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय में आपके अलग अलग कार्यों में व्यवसाय हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कराएंगे। अगर आप ज़्यादा दुराचारी बन जाएं और ज़्यादा आप वेश्याओं के साथ रमण करें या दुष्ट स्त्री के साथ गमन करें, ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। यहाँ पर स्थितियाँ सट्टा लाटरी इत्यादि के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आप जुआ इत्यादि खेलते हैं, बहुत अच्छा धन लाभ आपको हो सकता है, और आप रिश्वतखोरी करते हैं उसमें भी आपको बहुत अच्छा धन लाभ हो सकता है। ये राहु की दृष्टियां हैं।
यहाँ पर अफेयर इत्यादि बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है और जिससे अफेयर होता है उसके प्रति ज्यादा खर्चा करवाता है, वो व्यक्ति आपको ठगता है, वो व्यक्ति आपको ठगता है या आप अपने पार्टनर से जिससे अफेयर करते हैं उससे उसे आप ठगते हैं, ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब यहां पर देखा जाए तो मिथुन राशि का जो प्रभाव इसलिए, और यहां पर राहु क्योंकि वायु तत्व की राशि है, जिधर देखो उधर मतलब बेतरीका लोटा होता है, एक वैसा स्वभाव होता है मिथुन राशि का, तो जिधर की हवा चले उधर झुक जाना। राजनीति करते हैं तो राजनीति में बहुत जल्दी पार्टी का अदल बदल कर लेना और विचारों का हेर फेर कर देना, ऐसी स्थितियां बनती हैं। यहां पर यह भी देखा जाता है कि आपका पार्टनर अगर आपसे नाराज है, आपको छोड़ चुका है, तो उसकी वापसी भी हो सकती है। आपका पार्टनर अगर डेढ़ साल के अंदर, पिछले डेढ़ साल में अगर गया है, तो बहुत हद तक चांस बनते हैं कि आपका पार्टनर आपको याद करे और आपकी लाइफ में दोबारा वापस आए। हो सकता है कि वो आपको बेस्ट फ्रेंड बनाए, प्यार ना करे तो दोस्ती के लिए ही हाथ बढ़ाए, ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब यहां पर बात करते हैं केतु के परिवर्तन की, केतु का परिवर्तन का क्या फल होगा। केतु का जो परिवर्तन है वो छठे भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे और वृश्चिक राशि में छठे भाव में ये आपको बहुत अधिक धन लाभ कराएंगे। धन लाभ के साथ साथ आप अगर लोन इत्यादि लेना चाहते हैं उसके लिए अच्छी स्थितियां हैं, विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए अच्छी स्थितियां हैं। अगर आपके पार्टनर के बीच में कोई तीसरा आ रहा था, कोई आपकी सौतन थी, तो उसके लिए बुरी स्थितियां हैं। वो सौतन आपकी या जो तीसरा थर्ड पर्सन आ रहा था वो व्यक्ति आपकी लाइफ से दी एंड हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाएगा। आपका पार्टनर उसकी ओर आकर्षित हो रहा था तो उसका आकर्षण खत्म हो जाएगा, उसे कुछ ऐसा पता चल जाएगा जिससे उसका भेद खुल जाए और उसे पता चल जाए कि निश्चित ही ये व्यक्ति मुझे ठगने आया था, तो आपका पार्टनर संभल जाए उन बातों से। और इसकी दृष्टि के बारे में बात करें तो जो केतु की दृष्टि है, पंचम दृष्टि के बारे में बात करते हैं तो पंचम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी और दशम भाव पर पंचम दृष्टि बहुत ज्यादा कार्य में उन्नति, बॉस बहुत ज्यादा प्रसन्न हो, कार्य क्षेत्र में अचानक लाभ हो, धन लाभ हो, अचानक जॉब मिल जाए, अचानक से बहुत अच्छा लाभ ही लाभ ये केतु कराएंगे आप। और केतु की जो अच्छी स्थिति यह है कि आपको बहुत ज्यादा व्यवसाय को विस्तार देने का मौका देगा केतु, बहुत ज्यादा व्यवसाय को विस्तृत करेंगे आप। अगर सप्तम दृष्टि की बात करते हैं तो सप्तम दृष्टि में खर्चे अधिक कराएंगे और खर्चा आपका अगर व्यवसाय आप विस्तार करेंगे व्यवसाय का या व्यापार आप नए नए खोलेंगे तो उसमें आपको खर्चा तो लगेगा क्योंकि बिजनेस में तो खर्च होता है, बिजनेस में पैसे लगाने पड़ते हैं पहले। और यहाँ पर अगर आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप मेडिकल क्षेत्र से काम करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ हैं। विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छी स्थितियाँ हैं, अचानक से विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। अगर हम नवम दृष्टि की बात करें, केतु की नवम दृष्टि जो है वो द्वितीय भाव पर रहेगी। द्वितीय भाव पर नवम दृष्टि अचानक से पैतृक धन का लाभ करा सकती है, अचानक से पिता से संपत्ति दिला सकती है और बहुत हद तक ये चांस बनते हैं कि आपके जो परिजन हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा मिलने के लिए लालायित हों, बहुत ज़्यादा आपकी यात्राएं हों, अपने परिजनों के साथ में समय ज़्यादा बिताएं आप। इस गोचर में आप अपने परिजनों का बहुत ही ख्याल रखें, परिवार के साथ समय ज़्यादा बिताएं, ऐसी स्थितियां बनेंगी। राहु और केतु का ये परिवर्तन कुछ इस प्रकार का फल देगा आपको, मिथुन राशि को। तो दोस्तों यहाँ पर अब जान लेते हैं उपाय क्या करना है जो बुरी स्थितियाँ आपके लिए ना बने। सर्वश्रेष्ठ उपाय, इससे अच्छा उपाय आपको किसी भी प्रकार से नहीं मिल सकता है। क्या उपाय है? उपाय ये है कि महामृत्युंजय मंत्र की या ओम नमः शिवाय की 11 माला करें। ओम नमः शिवाय की अगर आप महामृत्युंजय मंत्र की कर सकते हैं तो एक माला करें, एक माला प्रतिदिन, केवल एक माला, और आपके लिए गोचर बहुत ही शानदार और सर्वश्रेष्ठ लाभकारी होगा। और अगर आप महामृत्युंजय मंत्र नहीं कर सकते हैं क्योंकि बड़ा मंत्र है, समय नहीं है, तो आप 11 माला कर सकते हैं ओम नमः शिवाय की। तो दोस्तों आशा करते हैं आपके जीवन में ये राहु केतु निश्चित ही सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे और बहुत ही उन्नति देंगे और जो बुरा प्रभाव है उसे महादेव नष्ट करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।